Now we start lecture 2, exercise 1.1 and page number 3. Question number 1 is given in the book, page number 3. A is equal to ABC. Then state whether each of the following statement is true or false. A set is given. There are 3 elements in this set. A, B, C. Right? Number 1, A is belongs to A. Belongs means के इसका ताल्लुक जो है belong, ये सिंबल जो होता है belongs, ये इस्तेमाल होता है कि ये A का ताल्लुक जो है वो A सेट से है या नहीं है. इट मीन्स कि इसका इससे ये इससे belongs करता है. A is equal, A is belongs to A. इट मीन्स दिस इज़ अ ट्रू. एंड X is belongs to A. तो X इस सेट में X है या नहीं है? नहीं है. इट मीन्स डज नॉट बिलोंग्स टू. तो ये इट मीन्स कि A, X जो है डज नॉट बिलोंग्स टू A. तो ये क्या हो गया? फॉल्स हो गया. एंड स्मॉल B, ये B दिया हुआ, B जो है वो इस बिलोंग्स टू A. वो ये बिलोंग्स करता है या नहीं करता? ये तो करता है. तो एक सेट के अंदर B मौजूद है. इट मीन्स दिस इज अ ट्रू. D is belongs to A. D is ये belongs करता है नहीं करता? D तो है ही नहीं इसमें. This is the false. C is belong to A. तो it means ये तो belongs करता है. ये क्या हो गया? True. Set A is a finite set. Finite set क्या होता है? जिसकी एक limit दी हुई होती है. और C जो है A set is a finite set. A set जो है वो finite set है क्योंकि C पे आके ये रुक गया है. इसकी limit दी हुई है. इससे आगे number कोई या कोई elements नहीं लिखे हुए. तो ये क्या कहलाएगा? ये true कहलाएगा. और अगर ये लिखा दे देता suppose के A set A is a infinite set, तो it means ये क्या हो जाता है? False हो जाता. अभी कहता है 7 में set A contain 3 elements. A सेट में 3 एलिमेंट्स हैं. यस 1 2 3. यस ये क्या हो गया? ट्रू हो गया. अब क्वेश्चन नंबर 2 है. आप क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा. पिक आउट द करेक्ट आंसर फॉर ईच फ्रॉम द गिवन ब्रैकेट. आई एम नॉट राइटिंग फ्रॉम फुल क्वेश्चन. पिक आउट द करेक्ट आंसर फ्रॉम ईच ऑफ द फॉलोइंग. यू राइट फ्रॉम द बुक. Number 1, n is equal to 1, 2, 3 and so on is dash set. अब इसमें ये बताना है कि ये फाइनाइट सेट है या इनफाइनाइट सेट है या नल सेट है. तो आप बताइए इसमें कौन सा ही सेट है? ये इनफाइनाइट सेट है. इसकी कोई हद नहीं है. अनलिमिटेड एलिमेंट्स दिए हुए हैं. तो दिस इज़ अ इनफाइनाइट सेट. a इज इक्वल टू, नंबर 2 है, a इज इक्वल टू 0 इस डैश सेट. जीरो क्या है? जीरो बहुत से बच्चे समझते हैं कि नल सेट है. नल सेट नहीं होता है. ये जीरो इज अ एलिमेंट. जीरो क्या है? एक एलिमेंट है. तो ए इज इक्वल टू 0 इज डैश सेट. ये क्या कहलाएगा? ये फाइनाइट सेट कहलाएगा. नंबर 3, बी इज इक्वल टू 1, 2, 3 till 1000 इज डैश सेट. क्योंकि ये देखें, ये जो बीच में जो डॉट डॉट लिखे हुए हैं, इट मीन्स इसका मतलब होता है 1, 2, 3 किस तरह के बाद जितने भी एलिमेंट हैं 1000 से पहले तक, वो सारे एलिमेंट्स के अंदर मौजूद हैं. तो ये स्टॉप किस पे हुआ? 1000 पे. इट मीन्स इसके अंदर ये क्या कौन सा सेट कहलाएगा? ये कहलाएगा आपका फाइनाइट सेट. 4th है, ए इज इक्वल टू एक्स सच दैट 15 less than x less than 10 is dash set. ये क्या कहता है कि 15 से बड़े और 10 से छोटे नंबर लिखिए. ये क्या कहलाएगा? तो 15 से बड़े और 10 से छोटे नंबर से लिख ही नहीं सकते. तो आप क्या कहेंगे? क्या कहलाएगा? इज अ नल सेट.